अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं अवेस सादिक आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हुआ हूँ दुश्मन को भगाने का बहुत ही लाजवाब अमल लेकर के। दोस्तों यकीन जानिए कि ये अमल अगर आप कर लेंगे, जिस दुश्मन को आप भगाना चाहेंगे वो शख्स वहाँ से घर छोड़ कर के चला जाएगा। एक बहुत ही लाजवाब बहुत ही पावरफुल अमल है दोस्तों। ऐसे अमल जल्दी ढूंढे नहीं मिलते हैं, हम आप लोगों के लिए तलाश करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के दरमियान में उस अमल को रखते हैं, आप उसको करते हैं, फ़ायदा आपको होता है। तो दोस्तों आप ऐसा करें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत हमको लगती है वीडियो बनाने में। इस वीडियो को तमाम सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी दुश्मन को वहाँ से भगाना चाहते हैं कि यहाँ से चला जाए, तो दोस्तों करना क्या है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और थोड़ी सी मिट्टी आपको मुट्ठी में मिट्टी बंद कर लेना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इन्ना आतोना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यानी पूरी सूरह कौसर आपको पढ़ लेना है। पूरी सूरह कौसर पढ़ लेने के बाद यानी मिट्टी के ऊपर फूंक मार देना है, फिर दुश्मन की घर की जानिब यानी जिस तरफ आपके घर से पश्चिम तरफ दुश्मन का घर है तो पश्चिम तरफ आपको यानी मिट्टी डाल देना है, इस तरीके से फेंक देना है। जिस तरफ आप उसका घर हो उसी तरफ आपको मिट्टी डाल देना है। दोस्तों ये अमल आपको सिर्फ एक ही दिन करना है, फिर दोस्तों दूसरे दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दुश्मन वहाँ से भाग जाएगा। दुश्मन अगर आपको नाजायज़ परेशान करता हो तब आप इस अमल को करें, वरना दोस्तों किसी को नाजायज़ परेशान करने के लिए आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों ये अमल बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पावरफुल है। प्यारे दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि यह चैनल ऐसे आगे तक चलता रहे और ऐसे आपको वजीफे मिलते रहें, तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों अब मुझे दें इजाजत, अगले अच्छे बेहतरीन और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।